Oh my God, the year is over, guys. 2018 khatam ho gaya hai. What a year it has been. Itne challenges, itne utar chadhav. चैनल इतना बढ़ गया है, इतना ग्रोथ हुआ है चैनल के ऊपर, आप लोग इतने सारे जुड़ गए हैं हमारे इस नए फैमिली के अंदर. पूरा का पूरा 2018 हम लोग एक साथ बैठ के आज देखने वाले हैं व्हाट वी हैव अचीव टुगेदर एज अ फैमिली. बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा ट्रस्ट मिला है आप लोगों का. उसी के साथ साथ बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी मिली है. मैंने बहुत सारी कुछ नई चीज़ें ट्राई की हैं इस चैनल के ऊपर, और बहुत सारा हेट भी मिला है मुझे. सबसे पहले वील हैव अ लुक एट What was the subscriber amount in December 2017? Exactly एक साल पहले bearded Chokra was only at 16,270 subscribers. We are almost at 100,000 subscribers. 1,00,000 subscriber तक पहुंच गए हैं हम लोग. तो with this out of the way, सबसे पहले हम शुरू करेंगे January 2018 के साथ. This was the first month of the year, और इसी महीने में मैंने मेरा सबसे पहला हेयर रिलेटेड DIY वीडियो बनाया था. इट वॉज अ सी सॉल्ट स्प्रे. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये वीडियो, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिमांड पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था. इसी के साथ साथ इस चैनल को बियर्डेड छोकरा, जो एक बियर्ड सेंट्रिक चैनल है, उसको एक सबसे पहला फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाना पड़ा. फिटनेस सप्लीमेंट रिलेटेड वीडियो, एक ब्रांड कोलेबरेशन, एक ब्रांड डील मुझे मिली, एंड दैट वॉज अ कोलेबरेशन, अ ब्रांड डील with Oziva. And इसी के साथ साथ January में ही I had my biggest video on this channel. आज तक जो वीडियो ने सबसे ज़्यादा views कमाए हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा engagement है, patchy beard के ऊपर जो मैंने video बनाया था. तो January was a very very strong month for this channel. अब आती है बात February की. February में हमारा second biggest video बना था Evion 400 के बारे में. उसके बाद चलते हैं अप्रैल की तरफ. अप्रैल में पहला व्लॉग मैंने इस चैनल के ऊपर डाला था, और वहाँ पे मैं अप्रैल में गया था भूटान. भूटान का सबसे पहला व्लॉग मैंने इसी चैनल के ऊपर डाला था. यू गाइज लाइक्ड इट. बहुत कम लोगों ने उस व्लॉग को देखा था, बट जिन्होंने भी देखा था दे लाइक द व्लॉग. अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने वो नहीं देखा, अब आप वो वीडियो नहीं देख सकते, बिकॉज वो वीडियो YouTube ने निकाल दिया है बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज. नेक्स्ट मई में चलते हैं. मई वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग मंथ फॉर मी, फॉर दिस चैनल एज वेल. एक बियर्ड सेंट्रिक चैनल, एक चैनल जिसमें यह बंदा आपको बता रहा है कि बियर्ड ग्रो करनी चाहिए, उस चैनल पे आया एक शेविंग ब्रांड, शेविंग कंपनी जिलेट. हमने दो वीडियोस बनाए इस ब्रांड कोलैबोरेशन कैंपेन के अंदर. इट वॉज सरियल फॉर मी. ये मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, एंड इट वॉज अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग फॉर द चैनल एज वेल. बहुत लोगों को वो वीडियोस भी पसंद आए. इसके बाद इसी महीने में वी गॉट आर फोर्थ बिगेस्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, हाउ टू गेट थिक हेयर पार्ट वन. ये एक सबसे बड़ा रनिंग सीरीज है मेरे चैनल के ऊपर. अमेजिंग व्यूज, अमेजिंग रिस्पॉन्स. और उस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताता हूँ वो आज तक लोग यूज कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल गेटिंग रिजल्ट्स. तो वेरी सक्सेसफुल वीडियो इन माय आईज, एंड इट इज डूइंग रियली रियली वेल. अब चलते हैं जून 2018. जून 2018 वॉज वेन वी हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल. इतनी मेहनत करने के बाद 50,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग ने हिट किए इन 2018 जून. एंड उसी के अंदर मैंने आपको फर्स्ट आस्क बियर्डेड छोकरा का वीडियो दिया था. इट वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज. उसके बाद चलते हैं जुलाई के अंदर. जुलाई के अंदर हमने कंप्लीट किए थे 2 साल यूट्यूब के ऊपर, एंड बियर्डेड छोकरा बिकेम 2 years ओल्ड. एंड ऑल्सो आस्क बियर्डेड छोकरा का सेकेंड एपिसोड मैंने इसी महीने में शूट किया था. उसके बाद आई एम सॉरी कि मैंने आस्क बियर्डेड छोकरा कंटिन्यू नहीं किया, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन, अ लॉट ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इनटू दिस चैनल. बट आस्क बियर्डेड छोकरा इज गोना कम बैक वेरी वेरी सून. उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नाउ दिसंबर, कॉन्स्टेंटली आई हैव बीन गिविंग यू बैक टू बैक वेरी वेरी गुड कॉन्टेंट. स्पेशली इन माई आईज दिस इज वेरी गुड कॉन्टेंट, बिकॉज ये ऐसा कॉन्टेंट है जो ना ही आज रेलिवेंट है, बट आज से कुछ सालों बाद तक भी रेलिवेंट होने वाला है, और ना ही टीनेजर्स को, यंग एज को हेल्प करेगा, बट इवन ओल्ड एज
या मिडिल एज पीपल को भी हेल्प करेगा. दिस इज वॉट आई कॉल गुड कॉन्टेंट विच इज एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. एंड विद दैट इसी साल वी हिट 5 मिलियन व्यूज ऑन द चैनल इन टोटल. अगेन अ ह्यूज थिंग. ये वो सारी चैनल की बातें थी. चैनल इस एक साल के अंदर कितना बड़ा हुआ है, क्या क्या हमने किए हैं, कैसे टाइप का कंटेंट बनाया है, ये वो सारी बातें थी. बट चैनल तक ही सीमित मेरा ये एक साल नहीं था. कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जो मैं ये वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ. फेब्रुवरी 2018 फर्स्ट टाइम I went to the YouTube space Mumbai on invitation. ऐसे नहीं कि मैं वहाँ पे गया था for some work or something. I was invited over there for a workshop, a beauty workshop. First time going experience. It was surreal for me as well. बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए for a small YouTuber like me to in February go and you know go to a YouTube space and attend a workshop over there on invitation. Apart from that, February was the month जहाँ पे हमारा ये channel Bearded Chokra was selected as the creator on the rise. YouTube खुद इस channel के growth से, आप लोगों के इस channel के ऊपर belief से बहुत impressed था. And we were selected as the creator on the rise. Bearded Chokra was selected as the creator on the rise. हम feature हुए थे trending page के ऊपर. And that was the turning point for this particular channel. इसके immediately बाद March के अंदर I did my first TVC. TVC is television commercial, जो TV पे आप ads देखते हैं. पहला ad मैंने किया था. A person who doesn't have a lot of self-confidence, who is very introvert in nature, उसको सामने से casting company से call आता है. And I am selected as one of the cast for an upcoming TV commercial. मेरे लिए ये सिर्फ एक सपना था. It wasn't true for me at that particular time. मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी. And yes, I did that TV commercial. But I'm sure आप लोगों को उस TV commercial के बारे में पता होगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे उसमें spot नहीं किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक minor एक appearance था उसके अंदर. बट फिर भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी वो. तो ये जो टीवी कमर्शियल था वो था बिस्लरी फोंजो के लिए. फोंजो की एड देखी होगी आपने मिक्का सिंह के साथ. वो वाले एड के अंदर मैं पीछे आई वॉज अ कैरेक्टर, अ EDM कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर एड. और मुझे वहाँ पे डांस करना था. आई जस्ट हैड टू यू नो डांस एंड फिल द वाइब ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने और एक टीवी अपियरेंस किया था हिस्ट्री टीवी 18 पे. कुछ लोगों ने इसमें मुझे स्पॉट किया था. हिस्ट्री टीवी चैनल पे एक शो आता है OMG ये मेरा इंडिया. उसी शो में मैं भूखा बियर्डो में फीचर हुआ था. जब भूखा बियर्डो उस शो के ऊपर फीचर हुआ था, आई वॉज फीचर्ड इन दैट. काफ़ी अच्छा इसमें अपियरेंस था. आई एम नॉट ब्लर इन दिस वन, मैं क्लियरली दिख रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर यूट्यूब फैनफेस्ट 2018 का होस्ट सिलेक्ट हुआ था मैं फॉर एन ओपनिंग ऑफ अ गिग. बट आई डिडंट एंड अप डूइंग दैट पर्टिकुलर ओपनिंग. आई डिडंट एंड अप होस्टिंग दैट थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस इसी साल मैं अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था. जैन में इटसेल्फ मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी थी. एंड जैन में आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, आई स्टार्टेड ईटिंग, डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत कुछ किया, बॉडी बनाई, एक अच्छी स्टेज तक मैं बॉडी को लेके गया था. कुछ फोटोज मैं यहाँ पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए. इट ऑल वॉज गोइंग रियली रियली गुड. ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हम लोग ने 2000 फॉलोअर्स कर लिए. इंस्टाग्राम पे नाउ आई एम एन ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर थ्रू प्लिक्सो. एंड विथ ऑल ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, कुछ बुरी चीजें भी हुई. एंड बॉडी बना रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. आई put on good amount of mass. मैं 68 से 73 पहुंच गया था. almost 5 kgs of good mass. but sad part, got a back injury while doing a deadlift. उसी के साथ साथ फिजियोथेरेपी करनी पड़ी मुझे. and I had to go through a lot of you know rehabilitation to get back. बैठने भी नहीं होता था, चलने भी नहीं होता था. it was a very tough period, but I kept shooting. I kept bringing more and more good content for you guys. मुझे ये जो है वो रुकना नहीं चाहिए था, ऐसे मेरे दिमाग में था. Apart from this, August में my health went bad like crazy.
लिटरली बहुत ही ख़राब हो चुकी थी मेरी हेल्थ अगस्त के अंदर, एंड इट टुक मी अराउंड 1.5 months टू गेट बैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक बुरी चीज़ हुई, आई ब्रोक अप अ 1 year रिलेशनशिप, ब्रोक अप, आई एम सिंगल. ये सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर टाइम में ही हुई थी, एंड सो एक के बाद एक, लाइक लिटरली टिल जुलाई द ईयर वॉज गोइंग अमेजिंगली वेल, एंड देन अगस्त से एक चमाट मारा जिंदगी ने, एंड जितना भी हाई पे था मैं, एवरीथिंग स्टार्टेड क्रम्बलिंग डाउन. बट स्टिल दिस चैनल डिडंट स्टॉप, आई केप्ट पुटिंग कॉन्टेंट ओवर हियर. एंड ये मैं आपको सिर्फ एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस रॉ. दिल से दिल तक मुझे ये बात करनी है, एंड आई होप आई एम कनेक्टिंग विद अ फ्यू पीपल हु आर, यू नो, हु एस्पायर टू बी कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब. नए हैं अगर आप कॉन्टेंट क्रिएशन में, आई होप ऑल दीज स्टोरीज आर इंस्पायरिंग यू इन सम वे ऑर द अदर टू कीप पुशिंग हार्ड. आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव सच अ लाइफ जो मुझे उठा भी देती है और गिरा भी देती है, सो दैट आई एम ऑलवेज कमिटेड टू यू गाइज, ऑलवेज कमिटेड टू द गोल आई हैव. एंड जैसा सपोर्ट आपने इस चैनल को इस साल में दिया है, अब तक दिया है, आई एम लिटरली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर, ईच एंड एवरी पर्सन जिसने दूसरे को बताया है कि ये चैनल एग्जिस्ट करता है. लिटरली थैंक यू बहुत कम है आपके लिए. एक चैनल को 6 times बड़ा करना एक साल के अंदर, ये आप लोगों के बिना, आप लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना पॉसिबल नहीं है, एंड आई एम लिटरली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. सो गाइज विद दैट सेड, जितने वीडियोस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जितना भी जो कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. एंड विद दैट सेड वी मीट इन द न्यू ईयर 2019 जनवरी, न्यू वीडियो, न्यू धमाका ऑन दिस चैनल, एंड आई प्रॉमिस यू अ लॉट ऑफ गुड कॉन्टेंट. सो विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. I'll meet you in the next year. Bye bye now.